जो बैंकॉक में थी ना भाई, उससे तो काफी क्रेजी है ये बैंकॉक वाली, तो नाइट लाइफ है ना इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। देखो ये वही गली है जो कल शाम को आप लोगों को दिखाई थी। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ थाईलैंड का एक पार्ट है पटाया। पटाया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ की नाइट लाइफ भी फेमस है, यहाँ की बीचेज भी फेमस है। तो अभी मैं पटाया के जो स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट एरिया है ना, वहां पे ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं मेरे होटल में हूँ अभी, और यहाँ से भी मैं बाहर जाऊंगा थोड़ा सा घूमने फिरने। और अभी शाम का लगभग 5:30-6 बज गए, थोड़ा सा मैं पटाया सिटी को घूमूंगा, थोड़ी सी हो सकता है बीच वगैरह की तरफ भी जाऊं। तो चलिए चलते हैं, बाहर चलते हैं और आप लोगों को घुमाता हूँ पटाया, और यहाँ की नाइट लाइफ वगैरह दिखाता हूँ आप लोगों को आज। और ये होटल का प्राइस वगैरह तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, एक्चुअली होटल यहाँ पे कितने महंगे हैं। और ये होटल भी, मेरा होटल भी आप लोगों को पहले दिखा दिया, अब तो अस्त व्यस्त हो रखा है। तो पिछला वाला वीडियो देख लेना आप लोग, यदि होटल का प्राइस वगैरह ये देखना चाहो, कौन सी होटल बुक करना हो। ये है, और ये मेरी होटल का नाम है यार गैलेक्सी सूट्स। आप लोग यहाँ पे ठहर सकते हैं, सस्ता ही है, 500-450, पता नहीं 400-450 बात का मैं भूल गया यार। आप लोगों को ये एरिया देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ की नाइट लाइफ क्या जबरदस्त होने वाली है। अभी तो खैर थोड़ा सा नाइट लाइफ बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी थोड़ा सा बाहर चलते हैं और थोड़ा सा बीच वगैरह घूमेंगे और थोड़ा सा यहाँ की स्ट्रीट वगैरह घूमेंगे, और फिर शाम को रात को आप लोगों को नाइट लाइफ दिखाऊंगा यहाँ की। भाई नाइट लाइफ पटाया की जो नाइट लाइफ है ना भाई, सारी नाइट लाइफ फेल है उसके आगे। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ का जो वॉकिंग स्ट्रीट एरिया है ना, वॉकिंग स्ट्रीट एरिया यहाँ का काफी फेमस है पटाया का। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वॉकिंग स्ट्रीट। तो ये है यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट। तो अभी हम लोग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूमूंगा अभी। अभी यहाँ पे शाम का टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, 6 के लगभग बजा यहाँ पे शाम को। तो थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और फिर बीच वगैरह भी देखता हूँ, अभी बीच भी जाऊँगा शायद, बीच देखते हैं। भाई ये ना मुझे लगता है जबरदस्त होती होगी यहाँ की नाइट लाइफ। जो मैं बैंकॉक में घुमा था ना खाओसान एरिया, मुझे ये देख के लग रहा है कि खाओसान एरिया तो कुछ भी नहीं इसके आगे, जीरो है भाई, जीरो, एकदम जीरो। हाई वन शोरमा, हाउ मच वन शोरमा, चिकन शोरमा, चिकन शोरमा 100 baht, 1 shawarma, ओके गिव मी 1 shawarma, ओके आई वॉन्ट टू ईट हियर, ओके ओके। तो भाई ये एक शोरमा ऑर्डर किया है मैंने, चिकन शोरमा, इसका प्राइस है 100 baht, 100 baht का मतलब हो गया 238 rupees इंडियन रुपीज में। वो मोहतरमा ने अभी 238 इंडियन रुपीज का एक शोरमा है, लेकिन शोरमे की जो साइज है ना, जो ऑलमोस्ट डबल है, जो नॉर्मली आप लोग खाते हो ना उससे ऑलमोस्ट डबल है। अभी रात में, अभी पता नहीं मैं कितने बजे खाना खाऊंगा, रात में नाइट लाइफ वगैरह एक्सप्लोर करूंगा, बीच वगैरह घूमूंगा, तो 11-12 बज जाएंगे मुझे खाना खाते, ऐसे लगता है। और यहाँ पे पता है क्या है, लोग दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। 100 baht एक शोरमा का, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अभी यहाँ पे शाम को तो फिर भी थोड़ी बहुत हलचल दिख रही है, दिन में यहाँ पे बिल्कुल भी हलचल नहीं दिखती। यहाँ के लोग पता है क्या करते हैं, दिन में सोते हैं रात को जगते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही रात को चलता है। और ये है यहाँ से देखो, ये वॉकिंग स्ट्रीट का बोर्ड लग रहा है ना, ये पूरी की पूरी वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ की जो पटाया की मेन नाइट लाइफ है ना, वो पूरी की पूरी वॉकिंग स्ट्रीट में मिलेगी आपको देखने के लिए। यहाँ पे वैसे शुरू तो हो गया है भाई, बीच वगैरह पब वगैरह स्टार्ट हो गए। तो ये लो हम लोग फाइनली आ गए यहाँ के बीच पे, और अभी थोड़ी सी रंगत यहाँ पे बीच पे देखने को मिलेगी। अभी शाम शाम का टाइम है, यहाँ पे पता है बीच पे मैं सूज पहन के आ गया। वैसे मेरे को पता भी नहीं था कि मैं बीच पे भी जाऊँगा या वॉकिंग स्ट्रीट को ही एक्सप्लोर करूँगा, मैं सूज पहन के आया हूँ। बीच पे कौन सूज पहन के जाता है भाई। जबरदस्त वाला माहौल होता है यहाँ पे रात के टाइम पे, द सनसेट हेल्थी मसाज, मसाज सेंटर ही आपको दे दीजिए। देखो सामने जो भी दिख रहे ना, ये सारे के सारे मसाज सेंटर है, ये देखो ये सारे के सारे मसाज सेंटर है, जो सामने दिख रहे हैं वो क्या क्या नाम है, सनसेट मसाज सेंटर, ऑनेस्ट मसाज सेंटर, बहुत सारे मसाज सेंटर है। और ये है इधर, इधर ज़्यादा भीड़ भड़ाका, उधर ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था। और वो देखो पटाया सिटी का वहाँ पे बोर्ड लग रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। पटाया सिटी दिखा, वो बोर्ड दिखा आप लोगों को। अब आप लोगों को एक थोड़ी सी हटके चीज दिखाता हूँ भाई, वर्ल्ड्स स्कारिएस्ट हॉस्पिटल, हॉरर हॉस्पिटल। ये बीच है और बीच के जस्ट सामने अभी आप लोगों को वो हॉरर हॉस्पिटल दिखाया था, और ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ना, ये अपनी होटल की तरफ जा रहा है, वॉकिंग स्ट्रीट, पूरा ये वॉकिंग स्ट्रीट देखने को मिलेगा आप लोगों को। और पटाया में जो वॉकिंग स्ट्रीट एरिया है ना, यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वो देखो सामने इंडियन फूड एंड रेस्टोरेंट आप लोगों को दिख रहा होगा।
तो थोड़ी सी देर और यहाँ पे बीच पे एंजॉय करेंगे बैठ के, और फिर आप लोगों को यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट जो नाइट लाइफ है वो दिखाने लेके चलूंगा, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, वो 7-8-9 बजे बाद शुरू होता है, 8 बजे शुरू होता है ये मान लो मैं तो, नाइट जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना वहाँ का, वहाँ पे दिन में कुछ भी नहीं रहता, दिन में तो ऐसे रहता है शमशान घाट की तरह सुनसान रहता है, सब सोए रहते हैं, रात में फिर वो सारे लोग पूरी चहल पहल पूरा भरा रहता है पूरी नाइट। काफी देर हो गई मुझे वैसे इस बीच पे, कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो गया बीच पे बैठा बैठा एंजॉय कर रहा था, और नाइट में काफी ज्यादा भीड़ है, मैं सोच रहा था कि नाइट में सब लोग उधर जो वो स्ट्रीट है वॉकिंग स्ट्रीट है सारे के सारे उधर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी वैसे मैं गया भी नहीं उधर, लेकिन इधर भी भीड़ बढ़ा है, हो सकता है दिन में ये भी सो ही रहे होंगे सारे लोग, अब रात में उठ उठ के हैं जो सब बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी गाड़ियाँ चलती है, ये देख लो ऐसी गाड़ियाँ चलती है यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो अब मैं चलता हूँ यार वापस वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ, यहाँ से आप लोग कपड़े वगैरह कैप वगैरह खरीद सकते हैं, ये काफी सारा आइटम मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, आप देखो आप लोग तो ये रात की रंगत देखो इस बीच की, मैं सोच रहा था रात में ना सब लोग यहाँ से खिसक लेंगे उधर, लेकिन अभी कोई नहीं किसका भाई यहाँ पे, और देखो रात को ना जो चहल पहल है ना वो और ज्यादा बढ़ गई है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा होटल की तरफ, फिर वो वॉकिंग स्ट्रीट, फिर वो जो यहाँ का नाइट लाइफ वगैरह है वो देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे बीच पे हो सकता है मैं वापस भी आ जाऊँ, लेकिन अभी उधर जाके आऊंगा, यदि वहां से मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता है तो फिर मैं जाऊँगा वहाँ पे होटल में चला जाऊंगा, और फिर मैं 9 बजे अभी 7 बजे है तो फिर मैं 9 बजे के लगभग वापस निकलूंगा, और ये है वॉकिंग स्ट्रीट, अब चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट में, यहीं पास में मेरा होटल है थोड़ा सा आगे। अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 7:05, और अभी 7:05 की हलचल कुछ ऐसी है यहाँ पे, तो अभी तो थोड़ा सा अभी का दिखा देता हूँ एक बार, फिर आपको मैं आऊंगा वापस 9:30-9:00 बजे के लगभग वापस आऊंगा, और ये देखो यहाँ पे ये लोग ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाते हैं भाई खाने के लिए, आप कहीं कुछ और समझ लो, अभी यहाँ पे टाइम हो गया शाम का 9 बज गए, और अभी मैं 7 बजे तो मैं वापस होटल में चला गया था, लेकिन उस टाइम इतना था भी नहीं यहाँ पे कुछ यार, सही बताऊँ तो ना पटाया ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना इतना कुछ लग नहीं रहा था, हाँ भाई क्या बेच रहा है, उका उका मैं नहीं पीता भाई, बियर इसकी बाद में आऊंगा तब पीऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना आप लोगों को बेचते हुए मिल जाएंगे हुक्का, कोई हुक्का के लिए बोलेगा, कोई बियर के लिए बोलेगा, कोई किसके लिए बोलेगा, हर जगह जगह पे भाई यहाँ पे आपको ना बियर बार वगैरह पब वगैरह काफी कुछ मिल जाएगा, आप लोग किसी में भी जा सकते हैं, ये यहाँ का कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह है, चिकन है ये देखो, चिकन वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, वैसे 1 piece 20 baht का काफी सस्ता दे रहे हैं, वैसे इतना ज्यादा महंगा तो नहीं है, यहाँ पे मैंगो स्लाइसेस मैंगो यहाँ पे 50 baht फिक्स है, 50-80-50 baht का एक मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे पता है ये देखो ये लड़की लेके खड़ी है ना, ये आप लोगों के साथ होगा, ये लड़की लेके खड़ी है यहाँ पे, आपको क्या है कि रशियन शो दिखाएंगे, आप लोग इनके जाते मत आना अंदर है ना, बहुत महंगी महंगी ड्रिंक्स बेचते हैं ये भाई, 1000 रुपए की 1500 रुपए की एक, जो 50 रुपए की बियर होती है ना उसको 1000-1500 रुपए की बेचते हैं ये लोग, यहाँ पे ये देखो वॉकिंग स्ट्रीट में आप लोगों को यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग करने के लिए भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, क्लोथ्स वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पे, स्लीपर वगैरह क्लोथ्स वगैरह, मेरा भी मन तो है देखिए ऐसे एक आध शर्ट लेने का, हल्के हैं काफी हल्के शर्ट हैं, लूंगा बाद में लूंगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे बेचते रहते हैं भाई, ये क्या कर रहा है पिछवाड़े में डाल लिया जो बैंकॉक में थी ना भाई उससे तो काफी क्रेजी है ये बैंकॉक वाली, तो नाइट लाइफ है ना इसके आगे कुछ भी नहीं है।
तो भाई मैं वापस से ना वो बीच साइड में आ गया हूँ, वहाँ पे ना कुछ ज्यादा भीड़ भड़ाका था, हल्ला भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं वापस से जाऊंगा उधर, ऐसा नहीं वापस से नहीं जाऊंगा, अभी थोड़ा सा बीच साइड में आ गया हूँ। इधर मैं खाना पीना खाने आया हूँ, वो जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना उधर खाना पीना, क्योंकि भाई जो है ना हॉट जगह है ना, प्राइम लोकेशन है, तो वहाँ पे खाना पीना बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, तो अभी मैं थोड़ा सा खाना पीना खाऊंगा और फिर वापस से जाऊंगा उधर, फिर वापस से एक बार और दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे टाइम हो गया लगभग 9:30 हो गया है, थोड़ा सा एक बार हो सका तो अभी बीच का भी नाइट का भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि 9:30-10 बजे बीच कैसा दिखता है, 10 बजे कैसा दिखता है यहाँ का बीच। और ये यहाँ की हलचल कुछ ऐसी है बीच की 9:30 बजे की, आप लोग देख लो अभी भी भाई यहाँ पे काफी लोग है। मैं देख रहा था रात को ना सारे लोग उधर चले जाएंगे, जो वो है ना वॉकिंग स्ट्रीट उधर चले जाएंगे, लेकिन उधर कोई भी नहीं। यहाँ पे देखो अभी और भी ज्यादा भीड़ है, काफी भीड़ भड़ाका अभी यहाँ पे क्या जबरदस्त हो रखा है। यहाँ पे बैठो आराम से आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भले पूरी रात बैठे रहो, आप बोर नहीं हो सकते यहाँ पे। खाना पीना खा रहे हैं सारे के सारे लोग यहाँ पे। अच्छा है ये भाई देखो, ये भी यहाँ पे सो रहा है, इसका बढ़िया है। आप लोग उधर वॉकिंग स्ट्रीट भी एंजॉय कर सकते हैं और इधर बीच भी एंजॉय कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलेंगे आप लोगों को। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है रात का 11:30 और मैं बीच पे बैठा था काफी देर से, फिर मेरा मन किया कि मैं खाना खाने जाऊँ, फिर मैंने सोचा एक बार यार वापस से जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना उसका राउंड काट के आते हैं। ये भाई है जो इनको फंसा रहा है। तो रहा है यार, साला इसने आग लगा दी वे, वो पिछवाड़े में डाल के बुझा भी दी इसने तो। बहुत रात हो गई, इतनी रात तक वैसे मैं पहली बार कहीं घुमा हूँ यार, मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली शाम को लगभग ये मान के चलो 8-7 बजे 8 बजे मैं होटल में पहुंच जाता था, लेकिन आज पहली बार है वैसे था है। अब यहाँ पे 12 बज गए यहाँ पे। 12 बजे तक मैं पहली बार किसी भी कंट्री में घूम रहा हूँ। यहाँ पे अब 12 बज गए ना, तो यहाँ पे चारों तरफ टूरिस्ट पुलिस ना चक्कर काट रही है, टूरिस्ट पुलिस की गाड़ियाँ बहुत सारी इधर उधर चक्कर काट रही है, और ये जो बीच है ना वो सामने अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये देखो बीच है, वो बीच आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे बीच पे पूरे पे टूरिस्ट पुलिस है, और जो वो वॉकिंग स्ट्रीट थी उसमें भी टूरिस्ट पुलिस बहुत ज्यादा चक्कर काट रही है, तो यहाँ पे कोई कांड वगैरह होने के चांसेस नहीं के बराबर है, ये मान लो आप लोग बेफिक्र होके यहाँ पे घूम सकते हैं रात को। ये देखो जैसे ये टूरिस्ट पुलिस की गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है यहाँ पे चारों तरफ चक्कर काट रही है टूरिस्ट पुलिस वाली। और ये आप लोगों को रोड के आजू बाजू में जो लोग दिख रहे हैं वो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई साहब, तो मैं तो यही सजेशन दूंगा जब भी आप आओ तो थोड़ा सा बच के रहियो भाई, बाकी आपकी मर्जी भाई। ये ना ये देखो ये रिक्शे ना यहाँ पे रात को 12 बजे भी चलते हैं यार, कितने रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे, और ये रोड में ना आधा जाम तो ये रिक्शों की वजह से ही लगा है यार।
एक वो वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, एक यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं। अब यहाँ पे पता नहीं यार रात को 12:30 बाद ये लोग ना यहाँ पे जगह जगह पुलिस हो जाती। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ का पटाया का नाइट लाइफ, जो वॉकिंग स्ट्रीट का नाइट लाइफ है वो। और आपको जो कल रात को जो जगह दिखाई थी ना, वो अब मैं सुबह दिखा रहा हूँ। अभी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 9:30 बज गए, लेकिन फिर भी भाई साहब ये वही जगह है क्या जो कल रात को आप लोगों को दिखाई थी। देखो भाई सुनसान है अब तो, फिर भी यहाँ पे 9:30 बजे थोड़ा सा हलचल होने लग गई है, वरना ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई बहुत मातम छाया हो सुबह सुबह। ये लोग पूरी रात जगते हैं और सुबह पूरे दिन सोते हैं फिर ये लोग। ये देखो ये भाई कितनी हलचल, कितनी चहल पहल थी यहाँ पे, और अब है जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि मैं जा रहा हूँ, कल तो क्या है कि यार मैं जाके सो गया था, मैं लगभग 12:30 बजे तक यहाँ पे था। तो फिर मैंने सोचा कल सुबह मॉर्निंग में कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कोई कोरल आइलैंड है उसको घूमने, कोरल आइलैंड, फिर वो कोरल आइलैंड घुमा के और आप लोगों को फिर मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो चलते हैं। देखिए अभी मुझे नहीं पता यार कोरल आइलैंड के लिए मेरे को फेरी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो देखते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये लोग है जो यहाँ से जो शाम का कचरा पट्टी था ना उसको उठाने के लिए गाड़ी आई है, वो देखो आगे गाड़ी है जो यहाँ का कचरा पट्टी उठाते जा रही है कल रात वाला। भाई देखो ये वही गली है जो कल शाम को आप लोगों को दिखाई थी बॉलीवुड क्लब पटाया, ये बॉलीवुड क्लब पटाया है यहाँ पे। और ये देखो भाई ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई भाई मातम छाया हो, कोई शोक छाया हो इस गली में, इतनी जबरदस्त रात को इतनी। हाय ब्रो, रात को इतनी जबरदस्त होती है, और दिन में देखो सुबह तो ये लोग ऐसे सुबह सुबह इतनी उमस है यहाँ पे, पूछो मत, हालत खराब हो जाएगी। अभी टेम्परेचर काफी हाई हो गया सुबह सुबह। ये देखो भाई भीड़ भड़ा का कितना है यहाँ पे, वो देखो पटाया सिटी का बोर्ड लगा है उधर, पटाया सिटी का बोर्ड। और यहाँ से दो बोर्ड, एक तो स्पीड बोर्ड जाएगी और एक नॉर्मल फेरी जाएगी। स्पीड बोर्ड का जो किराया है वो है 150 बाथ, और जो नॉर्मल फेरी है पब्लिक फेरी है उसका किराया है 30 बाथ। तो मैं पब्लिक फेरी में जा रहा हूँ, स्पीड बोट का टिकट तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा, और जो पब्लिक फेरी है उसका टिकट आपको फेरी में ही मिल जाएगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप लोग किस बजट में है। ये देखो काफ़ी सारे लोग तो घूम फिर के वापस भी आ गए। भाई सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है, शायद 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है मुझे ऐसे लगता है। ये रो देखो उधर है पटाया, आप लोग भी यार पब्लिक फेरी में जा सकते हैं यदि आप लोगों को 30 बाथ में निपटाना है, 150 बाथ देने हैं तो वो अलग बात है। और इस आइलैंड का नाम है, इसको कोरल आइलैंड का नाम है, खो लैंड आइलैंड। क्या स्टार्ट हो गया क्या भाई? ये स्टार्ट हो गया, वो दूसरा एक और आ गया, वो देखो खोला। इतने लोग जाते हैं वो खोलान आइलैंड को घूमने, जो कोरल आइलैंड उसको घूमने, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सही बता रहा हूँ। ये देखो पूरी खचाखच भर दी इन लोगों ने इस फेरी को, इसमें इंडियन में अकेला दिख रहा हूँ, इंडियन है ना जो केवल वो वॉकिंग स्ट्रीट और नाइट लाइफ देखने आते हैं। अब जाके थोड़ा सा राहत मिला, अब जाके थोड़ी सी तसल्ली मिली इस बोट में बैठने के बाद, वरना बाहर तो इतनी चिलचिलाती धूप है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी यदि आप खो लान ये जो कोरल आइलैंड है यहाँ पे घूमने जाते हैं ना, तो सुबह जल्दी आए, मतलब आप लोग यहाँ से वहाँ पे टाइम दे रखा है 6:30 बजे से बोट स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग 6:30 बजे वाली या 7 बजे वाली कोई भी बोट ले लेना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। अब तो लगभग 10:30 बज गए यहाँ पे, तब तो इतनी चिलचिलाती धूप है, और वैसे मैं आया भी तो गर्मी में ही हूँ यहाँ पे घूमने यार, तो गर्मी में गर्मी तो होगी। और मैं आलसी था सुबह 8:30 बजे तो मैं उठा, वैसे सोया भी रात को वो नाइट लाइफ वगैरह घूम के, 1:30 बज गया था मेरे को सोने में। थोड़ी सी दूर और वो आपको सामने दिख रहा होगा, वो है कोरल आइलैंड, कोलान आइलैंड। ये लो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए जो कोरल आइलैंड है वहाँ पे, और अभी यहाँ पे बोट पार्क हो गई है, सारा का सारा जो आप लोगों को सामने दिख रहा है ये कोरल आइलैंड, वो है यहाँ पे स्पीड बोट का पार्किंग, और ये है यहाँ पे फेरी का पार्किंग। वो देखो सारे के सारे पैसेंजर नीचे आ रहे हैं हमारी वाली बोट से। वैसे आप लोग यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग हो गया, और भी बहुत सारी होती है, स्नॉर्कलिंग हो गया, काफ़ी सारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन मेरा यहाँ पे वो कोई एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं है, क्योंकि मैं जाऊँगा फुकेट और फिफी आइलैंड,
मैं वहाँ पे करूँगा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे बस ऐसे ही कोरल आइलैंड के बारे में सुना था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। आप लोग अलग से जो बुक कर सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज। ओ भाई यहाँ तो टैक्सी वगैरह सब है, और ये इतनी भीड़ गाय की है यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे है जो ये सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जेट स्काई, पैरासूट और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, आप लोग ले सकते हैं। इनका प्राइस आप लोग देख सकते हैं यार, प्राइस तो बहुत महंगा है, भात में 300 बात 800 बात, और स्कूटी रेंट करते हैं तो 300 बात, ओ माय गॉड काफी महंगा है। 300 बात में है जो स्कूटी रेंट, 750 रुपए का स्कूटी रेंट, काफी महंगा है। इस हिसाब से यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह भी मुझे लगता है काफी महंगी होगी, तो हम तो थोड़ा सा बस आइलैंड को घूमेंगे और वापस चलेंगे। बाकी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है ना जो वहाँ चल के करेंगे हम लोग, फीफी आइलैंड और फुकेट आइलैंड पे। कितना कंजेस्टेड है भाई ये, कितना भीड़ भड़ाका है यहाँ पे। लेकिन ये भी है आप लोग स्कूटी रेंट से ले लेते हैं तो आप लोग आराम से पूरे आइलैंड को घूम सकते हैं। ये देखो भाई ये टेम्पल वगैरह गौतम बुद्धा, ये देखो भाई यहाँ का ये टेम्पल वगैरह कुछ ऐसा है गौतम बुद्धा। मैं आइलैंड पे घूमने आया हूँ या टेम्पल घूमने आया हूँ, मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पे, लेकिन अच्छा है भाई, टेम्पल वगैरह अच्छे हैं यहाँ के, अच्छा लगा। है कि वीडियो में आपको रात को दिखाई है कि नाइट लाइफ वगैरह एकदम झकाझक, और दूसरे पार्ट में दिखा रहा हूँ आपको यहाँ के टेम्पल। यहाँ पे कपड़े वगैरह देखो, ये शर्ट वगैरह कितने अच्छे शर्ट दिख रहे हैं ना, क्या मस्त वाले शर्ट दिख रहे हैं भाई, एकदम कंफर्टेबल है। ये वाले शर्ट देखो बहुत कंफर्टेबल, बिल्कुल हल्के हैं और एकदम ऐसे कंफर्टेबल होंगे, पूछो मत। वैसे वाइट शर्ट ना गर्मी के टाइम में वाइट शर्ट पहने तो और भी अच्छा होता है भाई। ये कोई रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने आया हूँ, लेकिन पूरा का पूरा मेन्यू ना थाई लैंग्वेज में बना रखा है इन लोगों ने, अब कैसे समझ में आएगी मुझे खाना क्या है यार। अब ऐसी जगह है ना, टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है पता है, यहाँ पे ना इनको इंग्लिश में मेन्यू रखना चाहिए। अब यहाँ पे भी अपनी लोकल लैंग्वेज में मेन्यू रखे हैं भाई, पता नहीं होगा मे भी शायद इनके पास दूसरा और मेन्यू हो, मुझे पूछना पड़ेगा। तो अभी मैं देखिए ये इसमें ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, ये वाला ऑर्डर करता हूँ। और ये यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, अभी मैं यहाँ पे आके खाना पीना खाऊंगा। और अभी यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा हो रखी है, मैं सुबह से कुछ खा के भी नहीं आया था। मैं उठा और जहाँ मैंने होटल ले रखी थी ना वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की वॉकिंग पे था वो फेरी स्टैंड, तो वहाँ से फेरी ली और फटाफट माने मेरे को आते ही फेरी मिल गया, तो मैं आते ही फिर फेरी लेके और फिर मैं इधर चला आया। तो देखो एक तो ये ऑर्डर किया है और एक वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया है, तो इसका प्राइस है 80 बात और वाटरमेलन का जूस का प्राइस है 60 बात, तो ये हो गए टोटल मिला के 140 बात। 140 बात इंडियन करेंसी की बात करें तो होता है लगभग 350 इंडियन रुपीस। ये है वाटरमेलन जूस, दोनों आ गए, मैंने खाना कर दिया स्टार्ट। भाई ये देखो ये है यहाँ का कोई बीच, और यहाँ पे बीच पे ना अभी देखो कितनी उमस है यहाँ पे, सर्दी में गर्मी में कोई नहीं आता होगा मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे। ये देखो अभी सारा का सारा खाली पड़ा है, और ये देखो इतने लोग हैं नहीं जितने लोग मैं सोच के आया था ना, बोट में भी काफी सारे लोग थे लेकिन वो भीड़ कहीं और गई है शायद, वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आती है ज्यादातर। मैं यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने आया नहीं हूँ, बस मैं तो ऐसे ही सुना था एक खोलान जो आइलैंड है जो कोरल आइलैंड, इसके बारे में सुना था कि काफी अच्छा है, तो मैं तो ऐसे ही घूमने आ गया। बाकी अभी थोड़ी देर और घूम फिर के और फिर हम लोग चलेंगे वापस। ये देख लो आप लोगों को ये बीच दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे काफी सारे होटल्स वगैरह बना रखे हैं इन्होंने, लेकिन इन्होंने गर्मी के हिसाब से कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखे है कोई खास ज्यादा। ये देख लो आप लोग, अभी इस वाली टैक्सी में बैठ के मैं वापस से जा रहा हूँ फेरी स्टैंड। भाई गर्मी इतनी जबरदस्त है ना, मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी एक्सप्लोर करने की। भाई इतनी जबरदस्त उमस है ना भाई, बिल्कुल भी घूमना ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पे यार, मैं सही बता रहा हूँ तब गया है, इतनी जबरदस्त वाली उमस है यहाँ पे, उमस ना उमस ने हाल बेहाल कर रखा है। जो अब भी काफी सारे लोग आ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे घूम पाएंगे यहाँ पे इतनी उमस में। बाकी है अच्छी जगह, आप लोग उन पहाड़ों पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे बुद्धा टेम्पल वगैरह और भी बहुत कुछ है वहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन अभी इतनी गर्मी में वहाँ पे जाना, आपके पास भले ही स्कूटी या कुछ व्हीकल क्यों ना हो लेकिन इतना पॉसिबल इतना ईजी नहीं है भाई वहाँ पे घूमना। ये वाला है जो स्पीड बोट होती है ना उनका स्टैंड है ये पूरा,
वहाँ पे उन्होंने वो आने जाने के लिए बना रखा है। ये सारी स्पीड बोट खड़ी है, अभी इन्हें पैसेंजर आएंगे। और ये है पब्लिक फेरी वाला, अब यहाँ पे पब्लिक फेरी खड़ी है। वो एक तो मुझे लगता है ये जाने वाली है भाई, इसमें जाने वाली है। अभी मैं इसमें बंद कर दिया है यार इन्होंने आना जाना। सो गाइस फाइनली हम लोग वापस से पहुँच गए हैं पटाया। तो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो कल से चला आ रहा है और कल से नाइट लाइफ दिखाई पटाया की। आज पटाया का जो कोरल आइलैंड था वो दिखाया, यहाँ की बोट जर्नी दिखाई, यहाँ की जो फेरी स्पीड बोट और पब्लिक फेरी वो सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।